हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं तो भाई बहुत रात को मस्त सोया था और अब बस अभी उठे हैं। फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, फ्रेश अप होंगे, सब अच्छे हो रहे हैं। गाड़ी में सामान डालेंगे और निकलेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे मेरे होटल के दूसरे साइड से क्या नाम है व्यू नज़र आ रहा है क्रूज़ का, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। और बच्चे भी सो रहे हैं, बच्चों को भी उठाते हैं, इनको भी फ्रेश अप करते हैं जल्दी से। 5 मिनट की यहाँ से ड्राइव है टर्मिनल की, फिर वहाँ पे इंशाल्लाह जाएंगे, फिर वहाँ का सफ़र आपको दिखाते हैं। आज आखिरी दिन है तस्मीनिया में, जा रहे हैं छोड़ के, और बड़ी खूबसूरत यादों के साथ। बहुत याद आएगा होबार्ट स्पेशली, और फिर आगे का सफ़र जो भी होगा इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं बस अभी जा रहा हूँ क्या नाम है गाड़ी लेने के लिए। गाड़ी लेके नीचे आते हैं, फिर उसके बाद कॉफ़ी लेते हैं और फिर जाते हैं क्रूज़ के ऊपर। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ क्रूज़, ये नज़र आया आपको स्पिरिट ऑफ टैस्मेनिया। कल 6 बजे इनका मैसेज आता है कि आज सुबह 6 बजे से जो है आप अपना बोर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं 7:45 तक, उसके बाद फिर आप निकल जाएंगे। तो अभी बस टाइम क्या हो रहा है, 6:30 होने वाले हैं, बस चलते हैं गाड़ी पिक करते हैं और उसके बाद जो है हाँ कि अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। डेवनपोर्ट की खूबसूरत सुबह, बड़ी रिफ्रेशिंग हो रही है और हवा भी तेज चल रही है। ये भाईजान जो है ना वो बोर्डिंग टिकट, पार्डन भाई, हमें मिल गए हैं हमारे बोर्डिंग टिकट्स। इसके अलावा जो है बच्चों के लिए इन्होंने दिया है स्पिरिट ऑफ टैस्मेनिया के कोई आई डोंट नो क्या दिया है। अब मैं आपको बाहर का मंजर दिखाता हूँ। ये देखो भैया जी, इतनी सारी गाड़ियाँ, हर तरफ आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आएंगी, इतनी गाड़ियाँ। वो रहा हमारा क्रू सामने, उस तरफ से हमारी चेकिंग हुई थी, सिक्योरिटी ने चेक किया, उसके बाद बोर्डिंग मिला और हम आके इधर लाइन में लग गए हैं। अभी हो रहे हैं सुबह के इस वक्त 7:15। देखते हैं अंदर जाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको, वेट करते हैं तब तक। चलो नंबर आ गया हमारा, अब हम जा रहे हैं कश्ती में, जाएगा हम कश्ती में। अब ये हम जा रहे हैं क्रूज के अंदर। वो रहा हमारा सामने होटल, नो होटल एंड अच्छा, ये जो टर्म फेरी क्रूज है, क्रूज की जो पार्किंग है, इसके तकरीबन दो दो वो है सेक्शन है पार्किंग के, जिसके अंदर एक नॉर्मल गाड़ियां जाती हैं और दूसरा जो है वो आपका कैरवन हो गया, ट्रक्स हो गए, यूट्स हो गए, बड़ी गाड़ियों के लिए उन्होंने दूसरा कंपाउंड बनाया हुआ है। अभी हम अंदर जा रहे हैं बिल्कुल, ये हाँ गए हम अंदर। अब वो बताएंगे हमें कहाँ जाना है। आपको ये रोड पे नजर आ रहे होंगे ऑरेंज कलर के जो ये जो निशानात हैं, ये बेसिकली जो है ऑरेंज कलर के जो ये देख रहे हैं, ये जो आपको पैचेस नजर आ रही है, ये बेसिकली यहाँ पे ना टायरों को, गाड़ी के टायरों को बांध दिया जाता है, ताकि अगर पानी थोड़ा पानी की जहाज पे जा रहे हैं, अगर गाड़ी थोड़ी सी वो होती है शेक करती है मतलब पानी की लहरों से, तो गाड़ी आपकी सेफ और साउंड रहे। अपने इधर रूम का टूर कराते हैं, रूम नंबर 8241। ये चार बर्थ हैं,
दो नीचे दो ऊपर, बड़े कंफर्टेबल है वैसे। ये आपका भाई, और यहाँ पे उन्हें बेबी कॉट भी दिया हुआ है। और ये दो लैडर हैं, एक यहाँ है और एक इस दरवाजे के पीछे लैडर है। ये जो लैडर है ये यहाँ लगाएं आप, और उसके ऊपर बंदरों की तरह चढ़ के सो जाए। ये बाथरूम है, टॉयलेट मुनासिब है, शावर है, नीचे टिश्यू वगैरह सब दिए हुए हैं प्रॉपर। चला अब हम चलते हैं कहाँ, अब हम चलते हैं ऊपर मेन बर्थ, जहाँ पे पूरा वैसे आपको जरा क्रूज तो दिखाया जरा एंजॉय कराते हैं। लेट्स गो लेट्स गो। हम लोग इस वक्त डेक नंबर 8 पर हैं, और हमें जाना है बार्स एंड डाइनिंग एंटरटेनमेंट। ये रिक्लाइनर लाउंज, आपको जरा रिक्लाइनर लाउंज दिखाते हैं कि कैसा है। पुल करना है, पुश करना है। अच्छा, ओ कार्ड दिखाएंगे तो कहाँ पास, तो कार्ड ही नहीं है। चलो कच्ची हो गई। लेट्स गो ऊपर चलते हैं, ऊपर चले 9 और 10 में। लेट्स गो, हाँ जो ऊपर चलते हैं, लेवल 9 पे चलते हैं। वाह, गेम जोन भी है, टेरेस है, टेरेस भी चलेंगे। अभी तो पहले पेट पूजा करेंगे क्योंकि भूख बहुत लग रही है। ये देखें लोग खड़े हुए वहाँ, चले आने चलते हैं पहले। तो ज़बरदस्त बैठने का माहौल है पूरा। ऑलराइटी, हाँ जी भाड़ा। ये दें भाई, तमाम जनता खड़ी हुई है इधर। तो भाई जहाज सेल हो चुका है, हम निकल गए हैं। वहाँ से हम लोग आए थे गाड़ी में, और वो रहा हमारा होटल जहाँ पर हमने रात को स्टे किया था। 8:30 उन्होंने कहा था सेलिंग का, 8:30 निकल गए हम लोग। हम लोग टॉप डेक लाउंज पे आ गए हैं, अनाउंसमेंट चल रही है। सुकून से यहाँ बैठेंगे, कुछ खाना पीना लेते हैं, अभी तो फिलहाल कॉफ़ी लेते हैं, फिर उसके बाद बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। लोग इतने नहीं है अभी, कम है, ज़्यादा तादाद में लोग नहीं है। मे बी शायद अभी रूम से बाहर निकलेंगे, अभी तो 11 घंटे का सफ़र है, तो लेट्स सी टाइम लग सकता है होपफुली। कॉफ़ी हमने ऑर्डर कर दी है, कॉफ़ी बन रही है। लोग अभी रात में बहुत ज़्यादा नहीं है, लहरें देख रहे हैं आज बहुत तेज़ हवा की प्रेडिक्शन की जा रही है। और अभी ये कहा था कि कैप्टन ने भी अनाउंस किया था कि आप जो हैं वो बाहर अगर खड़े हों तो ज़रा देख संभल के, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। यहाँ का भी जरा सीन दिखा रहे हैं आप। लाइफ बोट स्पिरिट ऑफ टैस्मेनिया, कॉफी हमने ले ली है। ये गर्म पानी लिया है, इसका जादू बताता हूँ गर्म पानी क्यों लिया मैंने। लेके चलते हैं पहले इसको। गर्म पानी जो मैं लेकर आया था ना आपको, तो उसका जादू क्या है आपको पता है, कल रात को फिलहाल घर से लाया था हम लोग आंटे, ये डाला इसमें मैंने गर्म पानी, ढकना बंद किया, थोड़ी देर रखेंगे और आपके तैयार हो जाएगा गर्म आंडे VIP। भाई क्रूज के तो ये बड़ा ज़बरदस्त है बाथरूम, नाइस बेबी चेंजिंग स्टेशन भी बनाया है उन्होंने प्रॉपर।
शाम के इस वक्त 5:30 हो गए। तो मैं बताता हूँ हुआ क्या। हम लोग ने सुबह नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग ऊपर जाके लेट गए थे थोड़ी देर के लिए। फिर हम लोग दोबारा उठे हैं वही 12:30-1 बजे करीब हम लोग आए हैं। दोबारा डेक के ऊपर चले गए थे लेवल टॉप लेवल पे। अच्छा अभी आपको टाइट्स नजर आ रही होंगे, ये टाइट्स अभी थोड़ी बेहतर हो गई हैं। हम लोग चुके मेलबर्न के करीब पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह 1 घंटे में। उस वक्त इतनी हाई टाइट थी, इतनी हाई टाइट थी कि चला नहीं जा रहा था सही से कि आप वॉक कर रहे थे। जहाज़ बहुत ज़्यादा वेव्स की वजह से शेक कर रहा था। और उसके बाद हुआ ये कि खाना तो कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन जो थोड़ा बहुत था वो वॉमिट करके निकल गया। बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस, हद से ज़्यादा मोशन सिकनेस हो गई थी। तो हम दोबारा रूम में जा गए, दोबारा लेट गए। हमने कहा अब उठेंगे नहीं, अब थोड़ा बेहतर फील हो रहा है। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब जो है वेव्स काफ़ी बेहतर है, वरना ये वेव्स बहुत ज़्यादा और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। अभी भी हवा तेज़ चल रही है लेकिन अभी थोड़ा बेहतर है। तो मैंने कहा चले आप लोगों को ये ज़रा व्यू दिखाते हैं। इट्स सो अमेजिंग। ये देखें आप लोग, ये इमरजेंसी बोर्ड्स हैं इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट्स, खुदा ना खास्ता। तो ये इन बोर्ड्स के ऊपर पैसेंजर्स को बिठा के इवैक्यूएट कर सकते हैं। इतना ह्यूज स्ट्रक्चर है। Yes. Here. Because it takes 3 at the time. Since the movement, it goes bam, bam, bam. तो है भाई, टाइम हो रहा है इस वक्त 6:30 और हम लोग पहुंच गए हैं मेलबर्न। ये जीलोंग पहुंचे हैं, नॉट मेलबर्न। यहाँ से हम फिर ड्राइव करके फर्दर फिर आगे इंशाल्लाह जाएंगे टूवर्ड्स अपने घर को। अच्छा रहा माशाल्लाह से ट्रिप, नॉट टू बैड। लेकिन ये है कि वो जो तूफान था इसकी वजह से हम लोग थोड़े से वो हो गए थे, सी सिकनेस, मोशन सिकनेस की वजह से थोड़ा से। लेकिन वैसे ओवरऑल सो कर ही गुजारा है, लेकिन अच्छा रहा माशाल्लाह, मज़ा आया। अब ज़रा नीचे चलते हैं गाड़ी की तरफ और फिर गाड़ी उठाते हैं। चलें भाई गाड़ी लेने चलते हैं। चलें भाई अब हम अपनी गाड़ी में बैठेंगे और उसके बाद निकलते हैं सफ़र की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर इंशाल्लाह बेहतरीन भी और अच्छे अच्छे नए कंटेंट के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। बहुत थक गए हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात। इतना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।